अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 23, स्पीन। स्पीन जो होते हैं लिम्फेटिक ऑर्गन होता है। लोकेशन की अगर हम बात करें, हमने जब हाइपोकॉन्ड्रियम पढ़ा था तो देखा था कि कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं, मतलब हमने सारे ये पूरे एब्डोमेन के अंदर कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एक साइड पर प्रेजेंट होते हैं, उनका रेसिप्रोकल ऑर्गन दूसरी साइड पर प्रेजेंट नहीं होता। इसी तरह स्पीन है जो कि सिर्फ लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट होती है। ये एक वेज शेप ऑर्गन है जो कि फंडस ऑफ द स्टमक और डायफ्राम के दरमियान एक वेज की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अगर हम देखें वेज क्या होता है, तो ऐसे अगर कोई दो चीज़ें प्रेजेंट है उनके दरमियान एक चीज़ आके फिक्स हुई है तो हम कहेंगे दिस इज़ द वेज। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीन है फंडस ऑफ स्टमक और डायफ्राम के दरमियान एक वेज शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट है जो कि पर्पल इन कलर होता है। इसकी थिकनेस, ये कितनी ब्रॉड है, इसकी लेंथ क्या है, इसका वेट क्या है, वो ऑड नंबर से हम याद रखते हैं कि 1 inches इज़ द थिकनेस, ब्रॉड है 3 inches, लेंथ इसकी 5 inches है, और उसके बाद वेट जो है वो 7 ounce है, और उसके अलावा 9 से 11 रेप से ये रिलेट कर रही होती है, स्पैन कर रही होती है। पोजीशन की बात करें तो ये ऑब्लीकली प्रेजेंट होती है अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द 10th रिब और 45 के एंगल पर यह प्रेजेंट होती है। फिर इसके एक्सटर्नल फीचर्स आ जाते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स हम देखने से पहले ये देखेंगे कि स्पीन प्रेजेंट किस तरह होती है। ठीक है, तो अगर हम बॉडी में देखें तो इस तरह एब्डोमेन के अंदर स्पीन प्रेजेंट होती है, दिस इज़ द स्पीन, राइट। इसके अलावा और डायग्राम्स भी यहाँ पर से हम देख सकते हैं, दिस इज़ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है, कि स्पीन किस तरह प्रेजेंट होती है, पर्पल वाली स्पीन है। ठीक है, इसके अलावा एक और जगह पर भी हम देख लेते हैं, यहाँ पर इस तरह स्टमक के फंडस और पीछे यहाँ पर डायफ्राम होगा, तो यहाँ पर दरमियान में स्पीन प्रेजेंट है जो कि वेज शेप्ड ऑर्गन है, और फाइनली ये स्पीन ये प्रेजेंट है। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी फर्दर डिटेल। अच्छा, तो अब से ये सारी बातें हमें जहन में रखनी है, उसके बाद हम स्पीन हम डिस्कस करेंगे। स्पीन में क्या आ जाता है कि सबसे पहले इसके एंड्स आ जाते हैं कि एंड्स क्या हैं इसके। तो एक इसका एंटीरियर एंड होता है और एक इसका पोस्टीरियर एंड होता है। इस तरह करके स्पीन हमारे पास प्रेजेंट होती है। ये इसका एंटीरियर एंड हो जाएगा, ठीक है। यही स्पीन अगर मैंने उठा के इस तरह रख दिया तो ये इसका एंटीरियर एंड है और ये पीछे वाला इसका पोस्टीरियर एंड है। अगर हम जरा सा गौर करें तो हम देखते हैं कि एंटीरियर एंड जो है वो स्लाइटली लेटरल है और जो पोस्टीरियर एंड है वो स्लाइटली मीडियली प्रेजेंट है। तो हम इंटीरियर एंड को लेटरल एंड और पोस्टीरियर एंड को मीडियल एंड भी कह सकते हैं। जो एंटीरियर एंड होता है मिड एक्सिलरी लाइन तक रीच कर रहा होता है, जो पोस्टीरियर एंड होता है ये रीच कर रहा होता है, मतलब ये जो लेफ्ट किडनी है उसके ऊपर लाई कर रहा होता है। स्पीन के अंदर हम लेफ्ट चीज़ों की बात करेंगे, लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट एक ऑर्गन है। बॉर्डर्स की बात करें तो इसके दो तीन बॉर्डर्स होते हैं, ये सुपीरियर बॉर्डर है, ये वाला इंफीरियर बॉर्डर है, ठीक है, और दरमियान में आ जाते हैं इंटरमीडिएट बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर और इंटरमीडिएट बॉर्डर के दरमियान हाइलम प्रेजेंट होता है जिसके कॉन्टेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, जिसके अंदर दो बेसिक बातें याद रखनी है, एक स्पीनिक और एक गैस्ट्रो एपिप्लॉयक, ठीक है। स्पीनिक आर्टरी, स्पीनिक वेन और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉयक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉयक वेन, इसके कॉन्टेंट्स हैं हाइलम ऑफ द स्पीन के। सर्फेसेस की बात करें तो ये इसकी विसरल सर्फेस है और ये इसकी डायफ्रेगमेटिक सर्फेस है। अब अगर ये स्पीन पड़ी हुई है, तो अगर ये है ना स्पीन इस तरह, तो इसकी जो डायफ्रेगमेटिक सर्फेस होती है वो कन्वेक्स होती है और जिसकी विसरल सर्फेस होती है वो कंकेव होती है, ठीक है। इस तरह इसकी दो सर्फेस प्रेजेंट होती हैं। अब एंगल्स आ जाते हैं, एंगल्स इसके अंदर दो होते हैं। हमने क्या याद रखना है कि एंगल जो है ना वो बन रहे हैं एंटीरियर एंड के साथ, किसके बन रहे हैं, इधर इट कुड बी सुपीरियर बॉर्डर, इधर इट कुड बी इन्फीरियर बॉर्डर, तो अकॉर्डिंगली हम उसे एंट्रो बेजल एंगल और पोस्टर बेजल एंगल कह रहे हैं। अगर जो सुपीरियर बॉर्डर और एंटीरियर एंड के दरमियान एंगल बन रहा है तो इट्स द एंट्रो बेजल एंगल, और अगर इन्फीरियर बॉर्डर और इन्फीरियर बॉर्डर और इंटीरियर एंड के साथ बन रहा है तो इट्स द पोस्टरो बेजल एंगल। इंफीरियर एंड बॉर्डर एंड इंटीरियर एंड, सुपीरियर बॉर्डर एंड इंटीरियर एंड, ठीक है। उसके बाद हाइलम लिखा हुआ बीडी में वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आफ्टर दैट देयर आर द पेरिटोनियल रिलेशंस ऑफ द स्पीन। पेरिटोनियल रिलेशंस जो हैं इसके अंदर लिगामेंट्स डिस्कस किए हुए हैं, जिनमें से दो लिगामेंट्स ऐसे हैं जो कि स्पीन के साथ आकर अटैच हो रहे होते हैं, जबकि तीसरा लिगामेंट जो है जो स्पीन के साथ अटैच हो रहा होता है वो बीडी मेंशन नहीं है। चौथा लिगामेंट ऐसा है जो बीडी जो मेंशन है एज अ थर्ड लिगामेंट इन द बीडी, बट इट्स नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली टू द स्पीन, इंस्टेड ये स्पीन के नीचे प्रेजेंट होता है और स्पीन को सपोर्ट कर रहा होता है। स्टार्टिंग विद द लिगामेंट्स, हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं गैस्ट्रोस्पीनिक लिगामेंट। तो ये है हमारे पास गैस्ट्रोस्पीनिक लिगामेंट। गैस्ट्रोस्पीनिक लिगामेंट क्या कर रहा होता है, ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक और स्पीन के दरमियान प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके अंदर चीज़ें क्या प्रेजेंट होंगी, लिम्फेटिक्स प्रेजेंट होनी है, ठीक है। गैस्ट्रोस्पीनिक के अंदर भी प्रेजेंट है और लीनो रीनल लिगामेंट नेक्स्ट लिगामेंट जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर भी प्रेजेंट है। और साथ आते हैं सिंपैथेटिक नर्व्स, वो भी इन दोनों के अंदर प्रेजेंट है लिगामेंट्स के अंदर। गैस्ट्रोस्पीनिक लिगामेंट के अंदर शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। दूसरा लिगामेंट जो है वो लीनो रीनल लिगामेंट है। लीनो रीनल लिगामेंट जो होते हैं जिसे हम स्पीनो रीनल लिगामेंट भी कहते हैं, ये क्या करेगा कि ये किडनी जो बेसिकली लेफ्ट किडनी है उसको ज्वाइन कर रहा होता है विद द स्पीन। अब इसके अंदर लिम्फेटिक्स और सिंपैथेटिक नर्व तो प्रेजेंट ही है, पर द इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज कि इसके अंदर स्पीनिक वेसल्स और टेल ऑफ पैंक्रियाज भी प्रेजेंट है। उसके बाद
आ जाता है फ्रेनिकोकॉलिक लिगामेंट, जो कि एक्चुअली इसके साथ अटैच नहीं होता स्प्लीन के साथ। अच्छा, जिस लिगामेंट की मैं बात कर रही थी, जो लिगामेंट थर्ड लिगामेंट है जो बीडी के अंदर मेंशन नहीं है, इट्स स्प्लीनोकॉलिक लिगामेंट, जो कि ये वाला लिगामेंट है, ठीक है, ये लेबल उन्होंने किया हुआ है, जो कि स्प्लीन और जो कोलॉन है, ट्रांसवर्स कोलॉन, उसके साथ जुड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लिगामेंट फ्रेनिकोकॉलिक लिगामेंट, जो कि डायफ्राम और कोलॉन के साथ अटैच होता है, कि इस तरह ये लिगामेंट यहाँ पर अटैच है, जो कि जिन इन्फीरियर साइड हम कह सकते हैं स्प्लीन की, वहाँ पर से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है स्प्लीन को, इंस्टेड ऑफ बीइंग डायरेक्टली अटैच टू द स्प्लीन। ये डायफ्राम आ रहा है ना ऊपर से, और ये हमारे पास कोलॉन है। इसकी विसरल रिलेशन की और इसके डायफ्रेगमेटिक रिलेशंस की, विसरल रिलेशंस अगर हम देखें तो हम वो देखते हैं कि ये विसरल सरफेस पर किन किन ऑर्गन्स के साथ रिलेट करी है, किन किन ऑर्गन्स के साथ प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसके लिए डिफरेंट वसराज के लिए स्प्लीन के ऊपर इम्प्रेशंस हैं, ठीक है, कि जब वो उनके साथ इन कॉन्टेक्ट आई और वहाँ पर प्रेजेंट है, तो वो ऑर्गन एक इम्प्रेशन छोड़ देता है स्प्लीन की सरफेस पर, जहाँ पर वो ऑर्गन आके फिक्स अपनी जगह पर पड़ा होता है नॉर्मली, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ऊपर वाले सारे सरफेस है, ये वाली दिस इज़ द गैस्ट्रिक इम्प्रेशन, यहाँ पर जो है स्टमक रिलेट कर रहा होता है, ठीक है, ये वाली सरफेस प्रेजेंट होती है स्प्लीन की इन रिलेशन टू स्टमक, ठीक है, ये सारा गैस्ट्रिक इम्प्रेशन है। ये रीनल इम्प्रेशन है, ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट किडनी के साथ ही रिलेट कर रहा होता है। नीचे वाला कॉलिक इम्प्रेशन है, जो कि स्प्लीनिक फ्लेक्चर जो होता है कोलॉन का, वो प्रेजेंट होता है। फिर पेंक्रियाटिक इम्प्रेशन, यहाँ पर करके पेंक्रियाटिक इम्प्रेशन आ जाता है कि पेंक्रियाज की जो टेल है वो यहाँ पर लाई कर रही होती है, ठीक है। बेसिकली बिटवीन द हाइलम एंड द कोलिक इम्प्रेशन ये प्रेजेंट होता है पेंक्रियाटिक इम्प्रेशन, ठीक है। बाकी जो हाइलम होता है वो गैस्ट्रिक इम्प्रेशन के ही इंफीरियर मिडिल पार्ट में प्रेजेंट होता है। बाकी हमने देख लिया था कि हाइलम इज प्रेजेंट बिटवीन द सुपीरियर बॉर्डर एंड द इंटरमीडिएट बॉर्डर। अगर हम इसके डायफ्रेगमेटिक रिलेशन देखें तो डायफ्रेगमेटिक रिलेशन, ये पूरी इसकी डायफ्रेगमेटिक सरफेस है, ठीक है। डायफ्रेगमेटिक सरफेस जो होती है ये डायफ्राम के साथ रिलेटेड होती है, स्प्लीन की डायफ्रेगमेटिक सरफेस ऑब्वियसली, और ये स्प्लीन को जो डायफ्राम के, अगर हम देखें ना डायफ्राम के बिल्कुल बिल्कुल ये डायफ्राम है अगर, तो यहाँ पर हमारे पास रिसेसेस थी, तो स्प्लीन अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो ये जो डायफ्राम है ये डायफ्रेगमेटिक सरफेस है, फिर डायफ्राम प्रेजेंट है, तो यानी ये कह रहे हैं एज अ सेपरेशन बिटवीन दीज रिसेसेस एंड द स्प्लीन, ठीक है। उसके बाद आ जाती है इसकी आर्टीरियल सप्लाई की बात, तो स्प्लीनिक आर्टरी इसको सप्लाई कर रही होती है, ठीक है, स्प्लीनिक आर्टरी इसको सप्लाई कर रही होती है। और अगर ये है हमारे पास स्प्लीन, तो स्प्लीनिक आर्टरी इस तरह जा रही होती है और ये अपने रास्ते के अंदर इस पर टॉर्चरस होती है, ठीक है, लूप्स नहीं हम कह सकते, कर्व्स प्रेजेंट होती हैं, वो इसलिए प्रेजेंट होती हैं अगर स्प्लीन मूव करे तो ये बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट हो जाए, और ताकि जो है पुल ना प्रोड्यूस हो आर्टरी पर, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था कि जो स्प्लीनिक आर्टरी है ये लिगामेंट के अंदर प्रेजेंट होती है, लीनोरीनल लिगामेंट के अंदर स्प्लीनिक आर्टरी प्रेजेंट होती है और टेल ऑफ पेंक्रियास प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद दो थेरीज आ जाती हैं हमारे पास स्प्लीनिक आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द स्प्लीन की बात करें, उसमें एक ओपन थेरी है और एक कॉम्प्रोमाइज थेरी है। उसके बाद वीनस ड्रेनेज स्प्लीनिक वेन कर रही होती है, स्प्लीनिक वेन यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर ये दिखाई हुई है हमें स्प्लीनिक वेन बिहाइंड द पेंक्रियास, इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन जो है इसके अंदर ओपन हो रही होती है, और बिहाइंड द नेक ऑफ द पेंक्रियास सुपीरियर मेसेंटेरिक के वेन के साथ मिलके स्प्लीनिक वेन जो होती है वो पोर्टल वेन बना रही होती है बिहाइंड द नेक ऑफ द पेंक्रियास, ठीक है। उसके बाद लिम्फैटिक ड्रेनेज की, खास लिम्फैटिक्स नहीं होती लेकिन जो कैप्सूल का कनेक्टर पर शायद से कुछ लिम्फैटिक्स ड्राइव हो रही होती हैं, जो कि पेंक्रियाटिस स्प्लीनिक लिम्फ नोड्स के अंदर ड्रेन कर रही होती हैं। उसके बाद नास प्लेक्सस, इसको नास प्लेमल हो रही होती है।